हम लोग ने वेट वेरिएशन टेस्ट पहले किया था आईपी वाला, अब अपना वेट वेरिएशन टेस्ट यूपी यूएसपी वाला कर रहे हैं। तो यूएसपी वाले में बेसिकली कैसे करना पड़ता है कि स्टेज वन तो जैसा हमने पहले वाला किया था वैसा ही है, स्टेज टू डिफरेंट है। तो स्टेज टू बोलता है कि सपोज अगर हमारे पास 20 कैप्सूल हैं, करेक्ट है, तो वो 20 कैप्सूल में से सपोज मैं कैसे समझाऊँ अभी आपको, देखो मेरे पास मतलब ये कंडीशन ये बोलती है कि नॉट मोर देन टू इंडिविजुअल कैप्सूल्स, वेट्स को समझ लो कैप्सूल्स, सो नॉट मोर देन टू इंडिविजुअल कैप्सूल्स वेरी बाय मोर देन 10% डिविएशन एंड इन नो केस द डिफरेंस इज मोर देन 25% देन द कैप्सूल पासेस द टेस्ट। मतलब सपोज मेरे पास 20 कैप्सूल हैं तो उनमें से अलाउ कितना कर सकता हूँ मैं, उनमें से अगर दो कैप्सूल ऐसे हैं जिनका वेट 10% से वेरी हो रहा है, ठीक है, तो चलेगा। बट दो से ज़्यादा इंडिविजुअल वेट्स 10% से वेरी नहीं करने चाहिए, समझ में आया, वो है दो से ज़्यादा वेट्स जो है वो 10% से वेरी नहीं करने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, एंड इन नो केस द डिफरेंस इज मोर देन 25% इन द कैप्सूल्स पास द टेस्ट। मतलब क्या, और एक और कंडीशन पास करनी पड़ेगी कि दो इंडिविजुअल वेट्स 10% से डिविएशन हो गए चलेगा, बट दो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और किसी भी हालत में 20 के 20 कैप्सूल जो मैंने अभी टेस्ट के लिए लिए हैं उनका वेरिएशन जो है 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ में आया, 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैंने 20 कैप्सूल लिए, 20 कैप्सूल का मैंने प्लस किया वेट और मेरे को मीन मिला, बराबर है, तो जो मीन वेट है उससे 10% डिविएशन, या फिर इसको ऐसे समझ लो, आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, समझ लो कि मेरे पास यहाँ पर 20 कैप्सूल का मीन जो मेरे को मिला है वो है 300 mg, और 10% डिविएशन और 300 mg का मतलब क्या होगा, 10% डिविएशन की बात यहाँ पर ये कर रहे कि प्लस माइनस 10%, समझ में, मतलब 30 mg प्लस 30 mg माइनस, तो रेंज क्या हो जाएगा आपका 270 से लेकर 330 तक, करेक्ट। अच्छा इतना आपको समझ में आ गया, तो वो बोलने की आप ये कोशिश कर रहे हैं ये रेंज में, ठीक है, ये रेंज के बाहर अगर 20 में से दो कैप्सूल जाते हैं, मतलब 20 में से कोई भी दो कैप्सूल का अगर वेट इस रेंज में नहीं आता तो चलेगा, बट दो से ज़्यादा कैप्सूल ऐसा नहीं होना, दो से ज़्यादा कैप्सूल की वेट जो है इस रेंज से बाहर नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम से मिनिमम 18 कैप्सूल का वेट जो है वो इस रेंज में रहना चाहिए। अगर 18 से कम कैप्सूल इस रेंज में नहीं आए तो ये टेस्ट जो है पास नहीं होगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि 20 कैप्सूल जो है, अब इन्होंने क्या दिया डिविएशन 25% का, तो सपोज़ अगर मैं 25% करूँ 300 mg का, तो सपोज़ आंसर आया अपने को कुछ 50 mg, तो 250 से लेकर 350, मतलब 20 के 20 कैप्सूल का जो वेट है वो 250 से लेकर 350 mg के बीच में आना चाहिए। अगर उसमें से एक भी ऐसा कैप्सूल निकला जो 250 और 350 mg के जो रेंज है उसके अंदर नहीं बैठ रहा, तो वो ये जो पूरा हमारा बैच है वो फेल हो जाएगा। इफ़ मोर देन टू बट लेस देन 6, तो हमने यहाँ पर हमने पहले बोला था ना नॉट मोर देन टू इंडिविजुअल वेट्स, बराबर, तो हम बोल रहे थे ना कि 18 कैप्सूल जो है वो उस रेंज में आने चाहिए, बराबर, तो अभी बोल रहे हैं कि दो इंडिविजुअल वेट्स, नॉट मोर देन टू इंडिविजुअल वेट्स, तो यहाँ पर वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ मोर देन टू बट लेस देन 6, समझ में, दो से ज़्यादा बट 6 से कम अगर ऐसे टैबलेट ऐसे कैप्सूल निकले जिनका वेट 10 से 25% के बीच में नहीं बैठता, ठीक है, जिनका वेट 10 से 25% के रेंज में नहीं बैठता, मतलब समझो अगर मैं बात करूँ वो जो रेंज बना ना अपन ने 250 से लेकर 350 mg का, तो उस रेंज के अंदर अगर दो से ज़्यादा और 6 से कम कैप्सूल का वेट नहीं बैठ रहा,
ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ऐसा कोई भी कैप्सूल नहीं है जो 25% के रेंज से बाहर जा रहा है, तो हम रीटेस्ट करेंगे 40 मोर कैप्सूल्स के साथ। मतलब क्या है इसका, मतलब बोल रहे 10 से 25%, समझ में आपको, 10 से 25%, 10 से 25% का मतलब ये होगा कि 10 से 24% के जो मतलब हमारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सपोज़ अगर मेरा मीन वेट जो है वो 300 mg है, 300 मिलीग्राम है, और उसमें से मैंने सपोज़ निकाल लिया 24%, ठीक है, 24% निकाल लिया, 24% ऐड कर दिया, तो अपने को रेंज मिलेगा कुछ अराउंड 45 mg प्लस करना पड़ेगा, 45 mg माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर मुझे आएगा अराउंड 255, ठीक है, 255 से लेकर 355 तक का, बराबर 255 से लेकर 345 तक का, बराबर ये रेंज होगा कि 255 से लेकर 345 मिलीग्राम्स ये रेंज है। अगर इस रेंज के अंदर 2 से ज़्यादा बट 6 से कम कैप्सूल्स नहीं बैठ रहे, ठीक है, इनका वेट जो है वो 250 से कम या 345 से ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि कोई भी टैबलेट जो, कोई भी कैप्सूल जो आपके पास है उसका जो वेट है वो 25% के डिविएशन के रेंज में से के बाहर नहीं होना चाहिए, बराबर है, तो हम रिटेस्ट करेंगे 40 मोर कैप्सूल्स का, समझ में आपको, ओके, ठीक है। तो हाँ, तो अभी इधर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ कि मेरा जो 300 mg है बेसिकली वो मेरा मीन वेट है। ये मीन मुझे किधर से मिला है, 20 कैप्सूल का वेट मैंने एक सेकेंड ना हाँ तो मैंने 20 कैप्सूल का वेट लिया बेसिकली और सारे वेट्स को मैंने प्लस किया, तो उधर से मेरे को जो मीन जो मेरे को मिला है 300 mg मिला है, मीन एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज, तो जो एवरेज मुझे मिला है वो 300 mg है। एंड इस 300 mg का मैं क्या करूँगा, 10% डिविएशन कर दूँगा, मतलब 300 mg प्लस माइनस 10%, समझ में, तो 300 10% कितना हुआ 300 mg का 30 mg, सो प्लस 30, और ये मैंने बीच में डैश डाल दिया है, एंड 300 माइनस 30 करेक्ट है, तो उसमें क्या मिला अपने को 330, बराबर है, या फिर इसको उल्टा लिखो, सॉरी 300 माइनस 30 300 प्लस 30, हाँ तो इधर कैसा आया मेरे को 270 mg एंड 330 mg, तो ये है मेरा रेंज। तो कंडीशन क्या बोलती है कि मेरे जो 20 कैप्सूल हैं इनमें से अलाउ क्या करता है हमारा USP, क्या अलाउ करता है हमारा फार्माकोपिया, क्या अलाउ करता है कि 20 में से 2 कैप्सूल जो हैं, ठीक है, 20 में से जो 2 कैप्सूल हैं वो इस 2 कैप्सूल हैं उनका जो वेट है इस रेंज के बाहर हो सकता है, बट अगर 2 से ज़्यादा कैप्सूल हैं जिनका वेट इस रेंज में, अगर 2 से ज़्यादा कैप्सूल है जिनका वेट इस रेंज में नहीं आता तो टेस्ट फेल हो जाएगा। सेकेंड वेरिएशन, अभी टेस्ट ख़त्म नहीं हुआ है, सेकेंड वेरिएशन, सेकेंड क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है, हाँ सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है
कि समझो मेरे पास अभी 300 mg है, समझो मेरे पास अभी 300 mg है। मतलब मैंने क्या किया, बेसिकली सारे कैप्सूल्स को मैंने, मतलब 20 कैप्सूल्स को का मैंने एवरेज निकाला, तो एवरेज मुझे मिला 300 mg, करेक्ट है। अच्छा, अब ये जो 300 mg है मेरे पास, वो बोलता है 25%, तो 300 mg प्लस माइनस 25%। तो सपोज अभी मैं निकालता हूँ 25% कितना होगा, ठीक है, 25% ऑफ 300 mg कितना होगा, करेक्ट। वो बोलता है कि 300 प्लस माइनस 75, तो क्या रेंज बना अपने को, 235 से लेकर 375 मिलीग्राम्स का रेंज। तो वो दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि 20 के 20 कैप्सूल जो है, इनका वेट जो है इस रेंज में फॉल होना ही चाहिए। अगर 20 के 20 कैप्सूल का वेट इस रेंज में फॉल नहीं हुआ तो टेस्ट फेल हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन सुनो, नेक्स्ट कंडीशन ये बोलता है कि समझो अगर मेरा एवरेज जो है वो आया है अराउंड, समझो अगर मेरा एवरेज आया है अराउंड 300 mg, बराबर। तो अगर मेरा एवरेज 300 mg आया है तो इसका 10 to 25% डिविएशन, मतलब किसी बीच का वैल्यू ले लेते हैं, सपोज समझो ले लेते हैं 24% डिविएशन। 24% डिविएशन कितना होगा, 0.24, इंटू 300 72। तो क्या इन्होंने बोला है यहाँ पर, हाँ तो रेंज क्या मिला अपने को, 228 से लेकर 372 मिलीग्राम्स। तो वो बोलता है कि 20 कैप्सूल का वेट, 20 में से 2 कैप्सूल से ज़्यादा एंड 6 से कम, ठीक है, 20 कैप्सूल में से 2 कैप्सूल से ज़्यादा और 6 कैप्सूल से कम, ठीक है। मान लो अगर 4 कैप्सूल निकले, ठीक है, तो क्या करेंगे, हाँ 2 से ज़्यादा और 6 से कम, ठीक है। तो समझो, समझ लो कि 5 कैप्सूल जो है वो इस रेंज, उनका वेट इस रेंज के बाहर हो रहा है। उन्होंने क्या बोला हुआ है कि 10 से 25% डिविएशन, मतलब समझ लो 24% डिविएशन हो रहा है, अलाउड है, ठीक है। तो समझो 5 कैप्सूल ऐसे हैं जिनका वेट जो है इसके बाहर जा रहा है, चलेगा, पर 20 के 20 कैप्सूल जो है, ठीक है, वो इस रेंज से बाहर नहीं होने चाहिए। 20 के 20 कैप्सूल का वेट इस रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। क्या कंडीशन बोली है कि 20 में से 2 कैप्सूल से ज़्यादा और 6 कैप्सूल से कम, ठीक है। मतलब जैसे समझ लो कि 5 कैप्सूल का जो वेट है इस रेंज के बाहर जा रहा है, ठीक है ना, समझ लो कि इस रेंज के अगर बाहर जा रहा है तो चलेगा, पर 20 के 20 कैप्सूल की जो वेट है इस रेंज के बाहर नहीं जानी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हमको 40 टैबलेट के लिए टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा, मैं बंद करता हूँ। हाँ तो मैं वही बोल रहा था आपको कब से, एंड देन फिर मैंने बोला यहाँ पर 40 कैप्सूल्स, देन अभी 40 कैप्सूल्स, तो अभी मतलब सीधी से बात है कि 40 कैप्सूल्स इधर के और 20 कैप्सूल इधर के, तो सीधी से बात है कि यहाँ पर अभी मैंने एवरेज निकाला है 60 कैप्सूल्स का, मेरे को एवरेज निकालना पड़ेगा। और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ नॉट मोर देन
6 आउट ऑफ 60 कैप्सूल्स डिविएट बाय मोर देन 10% एंड नन डिविएट्स बाय मोर देन 25% देन द कैप्सूल्स पास द टेस्ट. ठीक है, सो नन नॉट मोर देन 6 आउट ऑफ 60 कैप्सूल्स डिविएट बाय मोर देन 10% एंड नन डिविएट्स बाय मोर देन 25%. ठीक है, तो 6 कैप्सूल्स अगर 10% से डिविएट हो रहे तो चलेगा, बट 6 कैप्सूल से ज़्यादा 10% से ज़्यादा डिविएट नहीं होने चाहिए. तो ठीक है, और जो 25% वाला जो चीज़ है, हाँ, सारे के सारे जो 60 के 60 कैप्सूल है वो 25% से डिविएट नहीं होने चाहिए, उनका वेट जो है 25% से ज़्यादा डिविएट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ जिसको समझ में नहीं आया अभी तक. सो नॉट मोर देन 2 इंडिविजुअल वेट्स वेरी बाय, मैं भी एक बार मतलब दिमाग में चले जाएगा अच्छे से. नॉट मोर देन 2 इंडिविजुअल वेट्स वेरी बाय मोर देन 10% डिविएशन, मतलब 20 में से, अच्छा सॉरी हाँ, नॉट मोर देन 2 इंडिविजुअल वेट्स आउट ऑफ 20, नॉट मोर देन 2 इंडिविजुअल कैप्सूल वेट्स आउट ऑफ 20 कैप्सूल्स वेरी बाय मोर देन 10% डिविएशन. ठीक है, डिविएशन फ्रॉम वॉट, फ्रॉम द मीन वैल्यू, एंड इन नो केस, किसी भी हालत में द डिफरेंस ऑफ द 20 टैबलेट ऑफ द 20 कैप्सूल वेट्स इज मोर देन 25%, करेक्ट है, देन द कैप्सूल पास द टेस्ट. इसी चीज़ को आपको यूज़ करके आपको दूसरा भी पढ़ना है.